और नमस्ते इंडिया में इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्राजील में हुई हिंसा की निंदा की है। जो बाइडेन ने ट्वीट कर इस पूरी घटना को निंदनीय बताते हुए कहा कि ब्राजील की लोकतांत्रिक संस्थाओं को हमारा पूरा समर्थन प्राप्त है और ब्राजील के लोगों की इच्छा को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए। तो जिस तरीके से बोलसोनारो के समर्थकों ने ब्राजील में उपद्रव किया, उसे लेकर अब अमेरिका की तरफ से भी रिएक्शन आया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ब्राजील में हुई हिंसा की निंदा करते हुए ट्वीट किया और इस पूरी घटना को एक निंदनीय घटना तो बताया ही, साथ ही ये भी कहा कि ब्राजील की लोकतांत्रिक संस्थाओं को हमारा पूरा समर्थन प्राप्त है। तो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजील में इन दिनों पूर्व राष्ट्रपति बोलसोनारो के समर्थक बेहद गुस्से में हैं। गुस्सा अपने पसंदीदा नेता के चुनाव हारने और विरोधी पार्टी के नेता के राष्ट्रपति बनने को लेकर है। ये गुस्सा रविवार ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। को इतना बढ़ गया कि प्रदर्शनकारी पुलिस बैरिकेड्स को तोड़ते हुए वहां के संसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए। ये तस्वीरें बिल्कुल वैसी ही थीं जैसी 2 साल पहले अमेरिका में देखी गई थी। बोल्सोनारो समर्थकों का तांडव। बैरिकेड तोड़ संसद में घुसे। राष्ट्रपति भवन में भी किया हंगामा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी झड़प। ब्राजील में हाल ही में खत्म हुए चुनाव में मिली हार के बाद से ही पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के समर्थक नाराज दिख रहे थे। बोल्सोनारो समर्थक बार बार चुनाव के नतीजों को नकारते हुए अलग अलग तरीकों से नतीजों पर अपना गुस्सा जाहिर करते रहते थे, लेकिन कौन जानता था कि इन समर्थकों का गुस्सा इतना बढ़ जाएगा। रविवार को जैसे उनके गुस्से का बांध टूट गया और उन्होंने संसद भवन पर ही हमला बोल दिया। करीब 3,000 लोगों की भीड़ संसद परिसर के बाहर इकट्ठा हुई और फिर वो बैरिकेड तोड़कर परिसर में घुस गए। बेकाबू भीड़ पहले संसद भवन, फिर राष्ट्रपति भवन और फिर सुप्रीम कोर्ट में गई और वहां बोल्सोनारो के समर्थन में नारेबाजी की। सैकड़ों की संख्या में बोल्सोनारो समर्थक संसद भवन की छत पर चढ़ गए और बैनर लेकर छत पर ही बैठ गए। ये सभी मछली किसानों को बेबी फिश सप्लाई करके महीने का 2 लाख कमा रहे हैं। आपको भी करना है ये बिजनेस तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।